मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-2901-701 पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एमके मूवी फैक्ट पे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों आज के वीडियो में रिव्यू करूंगी सनम तेरी कसम फुल मूवी, फुल रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बातें करूंगी सनम फुल मूवी फुल रिव्यू और इस मूवी से रोमांटिक जुड़े जो आप शायद नहीं जानते होंगे। दोस्तों आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सनम तेरी कसम भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन राधिका राव और विनय सप्पू ने किया है। इसका निर्माता दीपक मुकुट ने किया है। इस फिल्म ने मुख्य किरदार में हर्षवर्धन राव और पाकिस्तानी अभिनेत्री मौराना हुसैन है। यह फिल्म 5 फरवरी 2016 को सिनेमाघरों में प्रसिद्ध हुई। फिल्म की शुरुआत वकील इंद्रलाल परिहार हर्ष वर्मा राव ने से होती है जो अदालत में एक मामले को जीत चुके हैं। सभी उनसे बधाई देते हैं। अंदर घर लौटते और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने जाता है। वह एक कब्र के नाम का दिनांक लिखा था और वह अपने पत्नी का कब्र है। उसके बाद वह अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है। सरस्वती उर्फ सरू मौरा हुसैन एक जवान लाइब्रेरी पुस्तकालय अक्षय रहती है जिसके रहने की अवर तैयारी होने के तरीके के कारण सभी उसे बेहसूरत समझते रहते हैं। उसे खूबसूरत बहन करू शादी करना चाहते रहते हैं लेकिन उनके पिता पहले सरू की शादी कराने की सोच रहे थे। कावेरी का प्रेमी उसे 1 महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने 1 महीने में उससे शादी नहीं की तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह सरू के ऊपर अपने लिए ज्यादा से ज्यादा जीवन साथी ढूंढने का दबाव आ जाता है। सरू के परिवार का वह काफी इज्जत और सम्मान होता है। वह जिस इमारत में रहते हैं वह एक सोसाइटी बुलाते हैं और वह कुछ गुंगे जिसमें सरू से पिता शामिल है देख रेख करते रहते हैं और किसी भी प्रकार की घटी हरकत बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन सरू के पिता और सरू अपने पड़ोसी में रहने वाले इंद्र के पास जाते हैं जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वह अपने प्रेमिका रघु मोहल्ता इंद्रदास के साथ दिखते हैं जिसके जयराम के अंदर की ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की गुलाम कत शुरू हो जाती है और उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसके और आसक्तिक हो जाते हैं। वह तरु के मन में अभिनय शास्त्र की छाया रहते हैं जो अमीर की और खूबसूरत है। वह अभिनय की पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट है तो उसे वह इतना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उसके अजीब अजीब तरह से काम कराते रहते हैं। इंद्र कई बार पुस्तकालय आते हैं और सरू के पूछ बंद के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछते हैं। कई बार इंद्र इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा तभी उसे पति मिल सकता है।
जिसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाते हैं। इस कारण वह इंद्र के मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वह सुबह 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की बोतल को शुरू के ओर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ से बोतल लेकर फोड़ जाता है। इसे इंद्र की हाथों में खून निकलने लगता है। गुरु के इंद्र घर आ जाने कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ में चोट की वजह से वह है। इस कारण चोट में मलहम पट्टी की करती है। इसके रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उन दोनों पर नजर रखते हुए है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं तो वह लोग उन्हें बताते हैं कि सरू के इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जयराम को विश्वास नहीं होता कि अपनी बेटी ऐसी कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अपजीवित देखते हैं तो वह उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सारू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पिता अपनी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वह अब उनके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वह अपने पिता से नहीं कह पाती। सरू को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए सब अपार्टमेंट की वजह से तलाश करने की मदद करता है और साथ ही अपने पहनावे आदि बदलने भी वह उसके मदद करता है। उसी बीच इंद्र को इसे प्यार हो जाता है। जब अभिनय शुरू के शादी के लिए पूछा जाता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल से छुपा लेते हैं। अभी नमून उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसे बहू नहीं चाहिए होता जिसके पिता की उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता का अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती, तो अपने हनीमून सूट आ जाता है और इस से कहती है कि वह उसे 70 दिन के लिए प्यार करे। पहले तो इंद्र इनकार करता है, जब बाद में मान जाता है। अगली सुबह वह शरू के साथ अभिनय को देखता है। इंद्र को लगता है कि जब वह अभिनय के साथ वापस जा चुकी है और उसका दिल टूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि गुरु के अभिनय उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है तो वह उसके फोन से उसे ढूंढता हुआ बॉन्ड मट जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करना है, पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि एक लाइलाज बीमारी है, इस कारण वह जल्द ही मरने वाली है। यह बात पता चले तो सरू के माता पिता घर जबरन घुस जाते हैं और उसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने का कहते हैं। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल में छूटने के बाद पुस्तकालय चली जाती है और वहाँ उसे इंद्र के छोड़ने हुए कुछ पत्र मिलते हैं, जिसमें उसे एहसास होता है कि इंद्र उसे बहुत पहले से प्यार करता था। इंद्र किसी तरह पुस्तकालय आ जाता है और वह दोनों मिल जाते हैं। सरू उसे शादी करने को कहती है। एक रात सरू कहती है कि उसे मौत के बाद वह चाहता है कि उसे पेड़ के नीचे दफनाया जाए। वह यह भी कहती है कि उनके पिता का दिया हुआ साप सच साबित हो गया है और वह असर में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि
भगवान कभी सांप को स्वीकार नहीं करते। वह सरू कहती है कि भगवान माता पिता का प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी के दिन आ जाता है। सरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों की शादी में आ जाते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वह मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली भूमि को खरीदने के लिए आग्रह करते हैं जिसके नीचे सरू दफन होना चाहती थी। सरू की मौत इंद्र के हाथों में ही हो जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है और सरू के कब्र के आगे खड़ा है। वह बोलता है कि उसे सफल देख कर वह जरूर खुश हो रही होगी। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और समस्त सच्चे प्यार का वादा करता है। सनम तेरी कसम भारतीय हिंदी फिल्म और जिसके निर्देशक राधिका राव और विनय कपूर ने किया है, जिसका निर्माता दीपक मुटिक ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में हर्षवर्धन राव और पाकिस्तानी अभिनेत्री मौरा हुसैन है। यह फिल्म 5 फरवरी 2016 को सिनेमाघर में प्रसिद्ध हुई थी। फिल्म की शुरुआत वकील इंद्रलाल परिवरन हर्षवर्धन से होती है जो अदालत में एक मामले को जीत चुके हैं। सभी उसे बधाई देते हैं। इंद्र घर लौटते हैं और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने छोड़ देते हैं। वह एक कब्र के नाम का दीवाना लिखे होते हैं और उसके पति की कब्र है। उसके बाद वह अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगते हैं। सरवरी तो उर्फ सरू मौरा हुसैन एक जवान लाइब्रेरी पुस्तकालय अक्षय में रहती है, जिसका रहने और तैरने होने का तरीका के कारण सभी उसको बहुत सूरत समझने रहते हैं। उसके खूबसूरत बहन कावेरी शादी करनी चाहने रखती है, लेकिन उसके पिता पहले सरू की शादी करवाने की सोच रहे थे। कावेरी का प्रेमी उसे एक महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसे एक महीने में मुझसे शादी नहीं की तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। इस कारण दोनों बहनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझने लगते हैं। उसी खूबसूरत बहन के जल्द ही सविस्तर ढूंढने के बाद दावा आ जाता है। सरू के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान होता है। वह उसे इमारत में रहते हैं जो एक सिक्रेटरी बुलाते हैं और वह कुछ दबंग है जिसमें सरू के पिता भी शामिल होते हैं। देखने के कहते हैं रहते हैं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना हरकत बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन सरू के पिता और सरू अपने पड़ोसी में रहने वाले इंद्र के पास जाते हैं। वह एक अमीर और प्रसिद्ध वकील के बेटे होते हैं। वह अपने प्रेमिका रूबू महलताई दर्शवादों के साथ दिखाई देती है, जिसके जागरण के इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है और दौरान इंद्र की मुलाकात सरू से होता है। वह उसकी सादगी और खूबसूरती को देखे उसे उसकी और आकर्षित होते हैं। वह सरू के नाम में अभिनय शास्त्री छाया रहते हैं जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिनय को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है तो वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसे अजीब अजीब तरह से काम कराना रखता है। इंद्र कई बार पुस्तकालय आता है और सरू के पूर्ण बंदी के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना चाहिए, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाते हैं।
इस कारण वह इंद्र से मदद मांगना चाहती है। उसे स्पोर्ट्स में वह बहुत चालबाज जाता है। जब रिबु घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की बोतल उठाकर सरू की ओर फेंक देती है। पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसे हाथ में बोतल लेकर फूट फोड़ देता है। उसके इंद्र के हाथ से खून निकलने लगता है। सरू के इंद्र घर जाने के को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसे उसके हाथ में चोट की वजह हुआ है। इस कारण चोट के महत्व पट्टी मलहम पट्टी करती है। उसी से रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उसे दोनों पर नजर रखने हुए होता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जागरम को विश्वास नहीं होता कि उसकी बेटी ऐसे कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अस्तित्व सत्य के देखते हैं तो वह उन लोगों को बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसके पिता उसे एक भी ना सुनते और बोल देते हैं कि अब वह उसके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसके माँ का विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वह अपने पति से कह पाती है। सरू को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र के उनके लिए अस्पोर्टमेंट के जगह तलाश करने के मदद करता है और साथ ही उसे पहनावे आदि बदलने भी वह उसे मदद करता है। इसी बीच इंद्र को उससे प्यार भी हो जाता है। जब वह अभिनय सरू के शादी के लिए पूछता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती जिसके पिता ही उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वह अपने हनीमून साइट तक आती है और इंद्र से कहती है कि वह उसे अतर्ता देने के लिए प्यार करते हैं। पहले तो इंद्र इनकार कर देते हैं पर बाद में मान जाते हैं। अगली सुबह वह सरू के साथ अभिमन्यु को देखते हैं। इंद्र को लगता है कि अब वह अभिमन्यु के साथ वापस जा चुकी है और उसके दिल टूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है तो वह उसके फोन से उसे ढूंढता हुआ वैद्यमठ जाता है और वह उसे अपने प्यार का इजहार करता है। तब सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसी अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसे एक लाइलाज बीमारी है, उसे कारण वह जल्द ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही वह सरू के माता पिता घर जबरन घुस जाते हैं और उसे अपनी बेटी को मरा हुआ मारने के को कहते हैं। अगले दिन पुलिस उसे जयराम कहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं। सरू अस्पताल से छूटने के बाद पुस्तकालय चली जाती है। वहाँ उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ पत्र मिलते हैं जिसमें इस एहसास होता है कि इंद्र उसे बहुत पहले से प्यार करता था। इंद्र किसी तरह पुस्तकालय आ जाता है और वह दोनों मिल जाते हैं। सरू उससे शादी कर लेती है। एक रात सरू कहती है कि उसे मौत के बाद वह चाहिए जो उसे पेड़ के नीचे दफनाया जाए। वह यह भी कहती है कि उसे पिता का दिया हुआ श्राप
सच साबित हो गया और वह अक्सर असल में मरने वाली है। इंद्रा उससे कहता है कि भगवान कभी शराब को स्वीकार नहीं करता, तो शरू कहती है कि भगवान माता पिता के प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी के दिन आ जाता है। सरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों को शादी में आ जाते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वह मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली भूमि को खरीदने की आग्रह करता है जिसके नीचे सरू दफना होना चाहती थी। सरू की मौत इंद्र के हाथों में ही हो जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है और सरू के कब्र में आगे खड़ा है, जो बोलता है कि उसे सफल देख कर वह जरूर खुश हो रही होगी। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और शासक सच्चे प्यार का वादा करता है। के जयराम के अंदर की ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की गुलाम कत शुरू हो जाती है और उसकी सागदी और खूबसूरती को देखकर उसके और आसक्तिक हो जाते हैं। वह गुरु वतरुक्ष के मन में अभिनय शास्त्र की छाया रहते हैं जो अमीर की और खूबसूरत है। वह अभिनय की पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट है, तो उसे वह इतना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उसके अजीब अजीब तरह से काम कराते रहते हैं। इंद्र कई बार पुस्तकालय आते हैं और सरू के पूछ बंद के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछते हैं। कई बार इंद्र इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है जिसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाते हैं। इस कारण वह इंद्र के मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वह सुबह 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की बोतल को शरू के ओर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ से बोतल लेकर फोड़ जाता है। इसे इंद्र की हाथों में खून निकलने लगता है। गुरु के इंद्र घर आ जाने के कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ में चोट की वजह से वह है। इस कारण चोट में मलहम पट्टी की करती है। इसके रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उन दोनों पर नजर रखते हुए है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं तो वह लोग उन्हें बताते हैं कि सरू के इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जयराम को विश्वास नहीं होता कि अपनी बेटी ऐसी कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ जीवशिष देखते हैं तो वह उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पिता अपनी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वह अब उनके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वह अपने पिता से नहीं कह पाती। सरू को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए सब अपार्टमेंट की वजह से तलाश करने की मदद करता है और साथ ही अपने पहनावे आदि बदलने भी वह उसके मदद करता है। उसी बीच इंद्र को इसे प्यार हो जाता है। जब अभिनय शुरू के शादी के लिए पूछा जाता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल से छुपा लेते हैं।
अभी नमून उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता को ऐसे बहू नहीं चाहिए होता जिसके पिता की उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरू का दिल टूट जाता है, उसे लगने लगता है कि उसके पिता का अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। तो अपने हनीमून सूट आ जाता है और इससे कहती है कि वह उसे 70 दिन के लिए प्यार करे। पहले तो इंद्र इनकार करता है, जब बाद में मान जाता है अगली सुबह वह शरू के साथ अभिनय को देखता है। इंद्र को लगता है कि जब वह अभिनय के साथ वापस जा चुकी है और उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि गुरु के अभिनय उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। तो वह उसके फोन से उसे ढूंढता हुआ बॉन्ड मट जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करना है पर शरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है, वहाँ पता चलता है कि एक लाइलाज बीमारी है, इस कारण वह जल्द ही मरने वाली है। यह बात पता चले तो शरू के माता पिता घर जबरन घुस जाते हैं और उसे अपनी बेटी को मरा हुआ न मानने का कहते हैं। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। शरू अस्पताल में छूटने के बाद पुस्तकालय चली जाती है और वहाँ उसे इंद्र के छोड़ने हुए कुछ पत्र मिलते हैं जिसमें उसे एहसास होता है कि इंद्र उसे बहुत पहले से प्यार करता था। इंद्र किसी तरह पुस्तकालय आ जाता है और वह दोनों मिल जाते हैं। शरू उसे शादी करने को कहती है। एक रात शरू कहती है कि उसे मौत के बाद वह चाहता है कि उसे पेड़ के नीचे दफनाया जाए। वह यह भी कहती है कि उनके पिता का दिया हुआ साप सच साबित हो गया है और वह असर में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी सांप को स्वीकार नहीं करते। वह शरू कहती है कि भगवान माता पिता का प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी के दिन आ जाता है, शरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों की शादी में आ जाते हैं। शादी के बाद शरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वह मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली भूमि को खरीदने के लिए आग्रह करते हैं जिसके नीचे शरू दफन होना चाहती थी। शरू की मौत इंद्र के हाथों में ही हो जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है और शरू के कब्र के आगे खड़ा है। वह बोलता है कि उसे सफल देख कर वह जरूर खुश हो रही होगी। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और समस्त सच्चे प्यार का वादा करता है। सनम तेरी कसम भारतीय हिंदी फिल्म और जिसके निर्देशक राधिका राव और विनय कपूर ने किया है, जिसका निर्माता दीपक मुट्ठ ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में हर्षवर्धन राव और पाकिस्तानी अभिनेत्री मौरा हुसैन है। यह फिल्म 5 फरवरी 2016 को सिनेमाघर में प्रसिद्ध हुई थी। फिल्म की शुरुआत वकील इंद्रलाल परिवरन हर्षवर्धन से होती है जो अदालत में एक मामले को जीत चुके हैं। सभी उसे बधाई देते हैं। इंद्र घर लौटते हैं और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने छोड़ देते हैं। वह एक कब्र के नाम का दीवाना लिखे होते हैं और उसके पति की कब्र है। उसके बाद वह अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगते हैं। शरवरी तो उर्फ शरू मौरा हुसैन एक जवान लाइब्रेरी पुस्तकालय अक्षय में रहती है जिसका रहने और तैरने होने का तरीका के कारण सभी उसको बहुत सूरत समझने रहते हैं। उसके
खूबसूरत बान कावेरी शादी करनी चाहने रखती है, लेकिन उसके पिता पहले शरू की शादी करवाने की सोच रहे थे। कावेरी का प्रेमी उसे एक महीने का समय देता है। अमर कहता है कि अगर उसे एक महीने में मुझसे शादी नहीं की तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। इस कारण दोनों बहनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझने लगते हैं। उसी खूबसूरत बान के जल्द ही सविस्तर ढूंढने के बाद दावा आ जाता है। सरू के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान होता है। वह उसे इमारत में रहते हैं जो एक सिक्योरिटी बुलाते हैं और वह कुछ दबंग है जिसमें सरू के पिता भी शामिल होते हैं। देखने के कहते हैं रहते हैं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना हरकत बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन सरू के पिता अवर सरू अपने पड़ोसी में रहने वाले इंद्र के पास जाते हैं। वह एक अमीर और प्रसिद्ध वकील के बेटे होते हैं। वह अपने प्रेमिका रूबू महलताई दर्शवादों के साथ दिखाई देती है, जिसके जागरम के इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। अवर दौरान इंद्र की मुलाकात सरू से होता है। वह उसकी सादगी अवर खूबसूरती को देखे उसे उसकी और आकर्षित होते हैं। वह सरू के नाम में अभिनय शास्त्र की छाया रहते हैं जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिनय को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है तो वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसे अजीब अजीब तरह से काम कराना रखता है। इंद्र कई बार पुस्तकालय आता है और सरू के पूर्ण बंदी के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना चाहिए, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाते हैं, इस कारण वह इंद्र से मदद मांगना चाहती है। उसे स्पोर्ट में वह बहुत चालबाज जाता है। जब रिबू घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की बोतल उठाकर सरू की ओर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसे हाथ में बोतल लेकर फूट फोड़ देता है। उसके इंद्र के हाथ से खून निकलने लगता है। सरू के इंद्र घर जाने के को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसे उसके हाथ में चोट की वजह हुआ है। इस कारण चोट के महत्व पट्टी मलहम पट्टी करती है। उसी से रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उसे दोनों पर नजर रखने हुए होता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जागरम को विश्वास नहीं होता कि उसकी बेटी ऐसे कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अस्तित्व सत्य के देखते हैं तो वह उन लोगों को बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे एक भी ना सुनते और बोल देते हैं कि अब वह उसके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसके माँ का विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वह अपने पति से कह पाती है। सरू को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र के उनके लिए अस्पोर्टमेंट के जगह तलाश करने के मदद करता है और साथ ही उसे पहनावे आदि बदलने भी वह उसे
मदद करता है। इसी बीच इंद्र को उससे प्यार भी हो जाता है। जब वह अभिनय शुरू के शादी के लिए पूछता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती जिसके पिता ही उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वह अपने हनीमून साइट तक आती है और इंद्र से कहती है कि वह उसे अतर्ता देने के लिए प्यार करते हैं। पहले तो इंद्र इनकार कर देते हैं पर बाद में मान जाते हैं। अगली सुबह वह शरू के साथ अभिमन्यु को देखते हैं। इंद्र को लगता है कि अब वह अभिमन्यु के साथ वापस जा चुकी है और उसके दिल टूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि शरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है तो वह उसके फोन से उसे ढूंढता हुआ वैद्यमठ जाता है और वह उसे अपने प्यार का इजहार करता है। तब शरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसी अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसे एक लाइलाज बीमारी है। उसे कारण वह जल्द ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही वह सरू के माता पिता घर जबरन घुस जाते हैं और उसे अपनी बेटी को मरा हुआ मारने के को कहते हैं। अगले दिन पुलिस उसे जयराम कहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं। सरू अस्पताल से छूटने के बाद पुस्तकालय चली जाती है। वहाँ उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ पत्र मिलते हैं जिसमें इस एहसास होता है कि इंद्र उसे बहुत प्यार से बहुत पहले से प्यार करता था। इंद्र किसी तरह पुस्तकालय आ जाता है और वह दोनों मिल जाते हैं। सरू कोशिश करते हैं और उसके अजीब अजीब तरह से काम कराते रहते हैं। इंद्र कई बार पुस्तकालय आते हैं और सरू के पूछ बंद के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछते हैं। कई बार इंद्र इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा तभी उसे पति मिल सकता है जिसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाते हैं। इस कारण वह इंद्र के मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वह सुबह 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की बोतल को शरू के ओर फेंक देती है पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ से बोतल लेकर फोड़ जाता है। इसे इंद्र की हाथों में खून निकलने लगता है। गुरु के इंद्र घर आ जाने के कहता है पर सरू को लगता है कि उसके हाथ में चोट की वजह से वह है। इस कारण चोट में मलहम पट्टी की कटी है। इसके रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उन दोनों पर नजर रखते हुए है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं तो वह लोग उन्हें बताते हैं कि सरू के इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जयराम को विश्वास नहीं होता कि अपनी बेटी ऐसी कुछ कर सकती है लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अब जीवसित देखते हैं तो वह उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन उनके पिता अपनी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वह अब उनके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है लेकिन वह अपने पिता से नहीं कह पाती। सरू को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए सब अफटेमेंट की वजह से तलाश करने की
मदद करता है और साथ ही अपने पहनावे आदि बदलने भी वह उसके मदद करता है। उसी बीच इंद्र को इसे प्यार हो जाता है। जब अभिनय शुरू के शादी के लिए पूछा जाता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल से छुपा लेते हैं। अभी नमून उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता को ऐसे बहू नहीं चाहिए होता जिसके पिता की उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता का अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती तो अपने हनीमून सूट आ जाता है और इस से कहती है कि वह उसे 70 दिन के लिए प्यार करे। पहले तो इंद्र इनकार करता है जब बाद में मान जाता है। अगली सुबह वह शरू के साथ अभिनयु को देखता है। इंद्र को लगता है कि जब वह अभिनय के साथ वापस जा चुकी है और उसका दिल टूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि गुरु के अभिनय उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है तो वह उसके फोन से उसे ढूंढता हुआ बॉन्ड मट जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करना है पर शरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि एक लाइलाज बीमारी है। इस कारण वह जल्द ही मरने वाली है। यह बात पता चले तो शरू के माता पिता घर जबरन घुस जाते हैं और उसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने का कहते हैं। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। शरू अस्पताल में छूटने के बाद पुस्तकालय चली जाती है और वहाँ उसे इंद्र के छोड़ने हुए कुछ पत्र मिलते हैं जिसमें उसे एहसास होता है कि इंद्र उसे बहुत पहले से प्यार करता था। इंद्र किसी तरह पुस्तकालय आ जाता है और वह दोनों मिल जाते हैं। सरू उसे शादी करने को कहती है। एक रात सरू कहती है कि उसे मौत के बाद वह चाहता है कि उसे पेड़ के नीचे दफनाया जाए। वह यह भी कहती है कि उनके पिता का दिया हुआ साप सच साबित हो गया है और वह असर में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी सांप को स्वीकार नहीं करते। वह सरू कहती है कि भगवान माता पिता का प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी के दिन आ जाता है। सरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों की शादी में आ जाते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वह मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली भूमि को खरीदने के लिए आग्रह करते हैं जिसके नीचे सरू दफन होना चाहती थी। सरू की मौत इंद्र के हाथों में ही हो जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है और सरू के कब्र के आगे खड़ा है। वह बोलता है कि उसे सफल देख कर वह जरूर खुश हो रही होगी। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और समस्त सच्चे प्यार का वादा करता है। सनम तेरी कसम भारतीय हिंदी फिल्म और जिसके निर्देशक राधिका राव और विनय कपूर ने किया है जिसका निर्माता दीपक मुट्ठ ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में हर्षवर्धन राव और पाकिस्तानी अभिनेत्री मौरा हुसैन है। यह फिल्म 5 फरवरी 2016 को सिनेमाघर में प्रसिद्ध हुई थी। फिल्म की शुरुआत वकील इंद्रलाल परिवरन हर्षवर्धन से होती है जो अदालत में एक मामले को जीत चुके हैं। सभी उसे बधाई देते हैं। इंद्र घर लौटते हैं और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने छोड़ देते हैं। वह एक कब्र के नाम का दीवाना लिखे होते हैं और उसके पति की कब्र है।
उसके बाद वह अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगते हैं। शर्वरित उर्फ सरू मौराउशन एक जवान लाइब्रेरी पुस्तकालय अक्षय में रहती है, जिसका रहने और तैरने होने का तरीका के कारण सभी उसको बहुत समझने रहते हैं। उसके खूबसूरत बहन कावेरी शादी करनी चाहने रखती है, लेकिन उसके पिता पहले शरू की शादी करवाने की सोच रहे थे। कावेरी का प्रेमी उसे एक महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसे एक महीने में मुझसे शादी नहीं की तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। इस कारण दोनों बहनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझने लगते हैं। उसी खूबसूरत बहन के जल्द ही सविस्तर ढूंढने के बाद दावा आ जाता है। सरू के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान होता है। वह उसे इमारत में रहते हैं जो एक सिक्रेटरी बुलाते हैं और वह कुछ बुंद है जिसमें सरू के पिता भी शामिल होते हैं। देखने के कहते हैं रहते हैं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना हरकत बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन सरू के पिता और सरू अपने पड़ोसी में रहने वाले इंद्र के पास जाते हैं। वह एक अमीर और प्रसिद्ध वकील के बेटे होते हैं। वह अपने प्रेमिका रुबू महलता दशवादों के साथ दिखाई देती है, जिसके जागरम के इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। और दौरान इंद्र की मुलाकात सरू से होता है। वह उसकी सादगी और खूबसूरती को देखे उसे उसकी ओर आकर्षित होते हैं। वह सरू के नाम में अभिनय शास्त्र की छाया रहते हैं जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिनय को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है तो वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसे अजीब अजीब तरह से काम कराना रखता है। इंद्र कई बार पुस्तकालय आता है और सरू के पूर्ण बंदी के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना चाहिए, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाते हैं, इस कारण वह इंद्र के मदद मांगना चाहती है। उसे स्पोर्ट में वह बहुत चालबाज जाता है। जब रिबू घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की बोतल उठाकर सरू की ओर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसे हाथ में बोतल लेकर फोड़ देता है। उसके इंद्र के हाथ से खून निकलने लगता है। सरू के इंद्र घर जाने के को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसे उसके हाथ में चोट की वजह हुआ है। इस कारण चोट के महत्व पट्टी मलहम पट्टी करती है। उसी से रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उसे दोनों पर नजर रखने हुए होता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जागरम को विश्वास नहीं होता कि उसकी बेटी ऐसे कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अस्तर्तिक सत्य के देखते हैं तो वह उन लोगों को बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे एक भी ना सुनते और बोल देते हैं कि अब वह उसके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसके माँ का विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वह अपने पति से कह पाती है। सरू को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता
पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र के उनके लिए अस्पोर्टमेंट के जगह तलाश करने के मदद करता है और साथ ही उसे पहनावे आदि बदलने भी वह उसे मदद करता है। इसी बीच इंद्र को उससे प्यार भी हो जाता है। जब वह अभिनय शुरू के शादी के लिए पूछता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती जिसके पिता ही उसे स्वीकार नहीं कर सकते। शरु का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वह अपने हनीमून साइट तक आती है और इंद्र से कहती है कि वह उसे अतर्ता देने के लिए प्यार करते हैं। पहले तो इंद्र इनकार कर देते हैं पर बाद में मान जाते हैं। अगली सुबह वह शरु के साथ अभिमन्यु को देखते हैं। इंद्र को लगता है कि अब वह अभिमन्यु के साथ वापस जा चुकी है और उसके दिल टूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि शरु ने अभिमन्यु के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है तो वह उसके फोन से उसे ढूंढता हुआ वैद्यमठ जाता है और वह उसे अपने प्यार का इजहार कर बाहर जाते हैं। इस कारण वह इंद्र के मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वह सुबह 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की बोतल को शरु के ओर फेंक देती है। पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ से बोतल लेकर फोड़ जाता है। इसे इंद्र की हाथों में खून निकलने लगता है। गुरु के इंद्र घर आ जाने के कहता है पर शरु को लगता है कि उसके हाथ में चोट की वजह से वह है। इस कारण चोट में मलहम पट्टी की करती है। इसके रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उन दोनों पर नजर रखते हुए है। अगले दिन जब शरु के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं तो वह लोग उन्हें बताते हैं कि शरु के इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जयराम को विश्वास नहीं होता कि अपनी बेटी ऐसी कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अपजीवसित देखते हैं तो वह उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। शरु उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन उनके पिता अपनी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वह अब उनके लिए मर चुकी है। शरु अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है लेकिन वह अपने पिता से नहीं कह पाती। शरु को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता वो उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए सब अपार्टमेंट की वजह से तलाश करने की मदद करता है और साथ ही अपने पहनावे आदि बदलने भी वह उसके मदद करता है। उसी बीच इंद्र को इसे प्यार हो जाता है। जब अभिनय शुरु के शादी के लिए पूछा जाता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल से छुपा लेते हैं। अभिनमु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता को ऐसे बहू नहीं चाहिए होता जिसके पिता की उसे स्वीकार नहीं कर सकते। शरु का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता का अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती तो अपने हनीमून सूट आ जाता है और इससे कहती है कि वह उसे 70 दिन के लिए प्यार करे। पहले तो इंद्र इनकार करता है जब बाद में मान जाता है। अगली सुबह वह शरु के साथ अभिनयु को देखता है। इंद्र को लगता है कि जब वह अभिनय के साथ वापस जा चुकी है और उसका दिल टूट जाता है। जब उसे
से पता चलता है कि गुरु के अभिनय उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। तो वह उसके फोन से उसे ढूंढता हुआ बॉन्द मठ जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करना है, पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि एक लाइलाज बीमारी है, इस कारण वह जल्द ही मरने वाली है। यह बात पता चले तो सरू के माता पिता घर जबरन घुस जाते हैं और उसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने का कहते हैं। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल में छूटने के बाद पुस्तकालय चली जाती है और वहाँ उसे इंद्र के छोड़ने हुए कुछ पत्र मिलते हैं, जिसमें उसे एहसास होता है कि इंद्र उसे बहुत पहले से प्यार करता था। इंद्र किसी तरह पुस्तकालय आ जाता है और वह दोनों मिल जाते हैं। सरू उसे शादी करने को कहती है। एक रात सरू कहती है कि उसे मौत के बाद वह चाहता है कि उसे पेड़ के नीचे दफनाया जाए। वह यह भी कहती है कि उनके पिता का दिया हुआ साप सच साबित हो गया है और वह असर में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी सांप को स्वीकार नहीं करते। वह सरू कहती है कि भगवान माता पिता का प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी के दिन आ जाता है। सरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों की शादी में आ जाते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वह मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली भूमि को खरीदने के लिए आग्रह करते हैं, जिसके नीचे तरु दफन होना चाहती थी। सरू की मौत इंद्र के हाथों में ही हो जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है और सरू के कब्र के आगे खड़ा है। वह बोलता है कि उसे सफल देख कर वह जरूर खुश हो रही होगी। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और समस्त सच्चे प्यार का वादा करता है। सनम तेरी कसम भारतीय हिंदी फिल्म और जिसके निर्देशक राधिका राव और विनय कपूर ने किया है, जिसका निर्माता दीपक मुटक ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में हर्षवर्धन राव और पाकिस्तानी अभिनेत्री मौरा हुसैन हैं। यह फिल्म 5 फरवरी 2016 को सिनेमाघर में प्रसिद्ध हुई थी। फिल्म की शुरुआत वकील इंद्रलाल परिवरन हर्षवर्धन से होती है, जो अदालत में एक मामले को जीत चुके हैं। सभी उसे बधाई देते हैं। इंद्र घर लौटते हैं और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने छोड़ देते हैं। वह एक कब्र के नाम का दीवाना लिखे होते हैं और उसके पति की कब्र है। उसके बाद वह अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगते हैं। शर्वरित उर्फ सरू मौरा हुसैन एक जवान लाइब्रेरी पुस्तकालय अक्षर में रहती है, जिसका रहने और तैरने होने का तरीका के कारण सभी उसको बहुत समझने रहते हैं। उसके खूबसूरत बहन कावेरी शादी करनी चाहने रखती है, लेकिन उसके पिता पहले सरू की शादी करवाने की सोच रहे थे। कावेरी का प्रेमी उसे एक महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसे एक महीने में मुझसे शादी नहीं की तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। इस कारण दोनों बहनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझने लगते हैं। उसी खूबसूरत बहन के जल्द ही स्वास्थ्य ढूंढने के बाद दावा आ जाता है। सरू के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान होता है। वह उसे इमारत में रहते हैं, जो एक सिक्योरिटी बुलाते हैं और वह कुछ बूंद है जिसमें सरू के
पिता भी शामिल होते हैं। देखने के कहते हैं रहते हैं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना हरकत बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन सरू के पिता अवर सरू अपने पड़ोसी में रहने वाले इंद्र के पास जाते हैं। वह एक अमीर और प्रसिद्ध वकील के बेटे होते हैं। वह अपने प्रेमिका रूबू महलताई दशवादों के साथ दिखाई देती है, जिसके जागरम के इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। अवर दौरान इंद्र की मुलाकात सरू से होता है। वह उसकी सादगी और खूबसूरती को देखे उसे उसकी और आकर्षित होते हैं। वह सरू के नाम में अभिनय शास्त्र की छाया रहते हैं, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिनय को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है, तो वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसे अजीब अजीब तरह से काम कराना रखता है। इंद्र कई बार पुस्तकालय आता है और सरू के पूर्व बंदी के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना चाहिए, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाते हैं, इस कारण वह इंद्र के मदद मांगना चाहती है। उसे स्पोर्ट में वह बहुत चालबाज जाता है। जब रिबू घर आती है, तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की बोतल उठाकर सरू की ओर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसे हाथ में बोतल लेकर फूट फोड़ देता है। उसके इंद्र के हाथ से खून निकलने लगता है। सरू के इंद्र घर जाने के को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसे उसके हाथ में चोट की वजह हुआ है। इस कारण चोट के महत्व पट्टी मलहम पट्टी करती है। उसी से रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उसे दोनों पर नजर रखने हुए होता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं, तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जागरम को विश्वास नहीं होता कि उसकी बेटी ऐसे कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अस्तित्व के देखते हैं, तो वह उन लोगों को बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे एक भी ना सुनते और बोल देते हैं कि अब वह उसके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसके माँ का विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वह अपने पति से कह पाती है। सरू को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी, तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र के उनके लिए अस्पोर्टमेंट के जगह तलाश करने के मदद करता है और साथ ही उसे पहनावे आदि बदलने भी वह उसे मदद करता है। इसी बीच इंद्र को उससे प्यार भी हो जाता है। जब वह अभिनय सरू के शादी के लिए पूछता है, तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती जिसके पिता ही उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वह अपने हनीमून साइट तक आती है और इंद्र से कहती है कि वह उसे अतर्ता देने के लिए प्यार करते हैं। पहले तो इंद्र इनकार कर देते हैं, पर बाद में मान जाते हैं। अगली सुबह वह सरू के साथ अभिमन्यु को देखते हैं।
किंद को लगता है कि अब वह अभिमन्यु के साथ वापस जा चुकी है और उसके दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि शरु ने अभिमन्यु के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। तो वह उसके फोन से उसे ढूंढता हुआ वैद्यमठ जाता है और वह उसे अपने प्यार का इजहार करता है। तब शरु बेहोश हो जाती है। इंद्र उसी अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसे एक लाइलाज बीमारी है, उसे कारण वह जल्द ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही वह शरु के माता पिता घर जबरन घुस जाते हैं और उसे अपनी बेटी को मरा हुआ मारने के को कहते हैं। अगले दिन पुलिस उसे जयराम कहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं। शरु अस्पताल से छूटने के बाद पुस्तकालय चली जाती है। वहाँ उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ पत्र मिलते हैं जिसमें इस एहसास होता है कि इंद्र उसे बहुत पहले से प्यार करता था। इंद्र किसी तरह पुस्तकालय आ जाता है और वह दोनों मिल जाते हैं। शरु उससे शादी कर लेती है। एक रात शरु कहती है कि उसे मौत के बाद वह चाहिए जो उसे पेड़ के नीचे दफनाया जाए। वह यह भी कहती है कि उसे पिता का दिया हुआ श्राप सच साबित हो गया और वह अक्सर असल में मरने वाली है। इंद्र उससे कहता है कि भगवान कभी श्राप को स्वीकार नहीं करता। तो शरु कहती है कि भगवान माता पिता के तरीके के कारण सभी उसे बेसूरत समझते रहते हैं। उसे खूबसूरत बहन करु शादी करना चाहते रहते हैं लेकिन उनके पिता पहले शरु की शादी कराने की सोच रहे थे। कावेरी का प्रेमी उसे एक महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने एक महीने में उससे शादी नहीं की तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह शरु के ऊपर अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा जीवन साथी ढूंढने का दबाव आ जाता है। शरु के परिवार का वह काफ़ी इज्जत और सम्मान होता है। वह जिस इमारत में रहते हैं वह एक सोसाइटी बुलाते हैं और वह कुछ गुंगे जिसमें शरु से पिता शामिल है देखरेख करते रहते हैं और किसी भी प्रकार की घटी हरकत बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन शरु के पिता और शरु अपने पड़ोसी में रहने वाले इंद्र के पास जाते हैं जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वह अपने प्रेमिका रघु में मोहल्ता इंद्रदास के साथ दिखते हैं जिसके जयराम के अंदर की ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की गुलामकत शुरू हो जाती है और उसकी सागदी और खूबसूरती को देखकर उसके और आसक्तिक हो जाते हैं। वह तरु के मन में अभिनय शास्त्र की छाया रहते हैं जो अमीर की और खूबसूरत है। वह अभिनय की पता चलता है कि शरु उसके ऊपर लट है तो उसे वह इतना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उसके अजीब अजीब तरह से काम कराते रहते हैं। इंद्र कई बार पुस्तकालय आते हैं और शरु के पूछ बंद के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछते हैं। कई बार इंद्र इनकार के बाद शरु को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा तभी उसे पति मिल सकता है जिसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाते हैं। इस कारण वह इंद्र के मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वह सुबह 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की बोतल को शरु के ओर फेंक देती है पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ से
से बोतल लेकर फोड़ जाता है। इसे इंद्र की हाथों में खून निकलने लगता है। गुरु के इंद्र घर आ जाने कहता है, पर सरु को लगता है कि उसके हाथ में चोट की वजह से वह है। इस कारण चोट में मलहम पट्टी की कटी है। इसके रात गुजर जाता है। वह एक चौकीदार उन दोनों पर नजर रखते हुए है। अगले दिन जब सरु के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं, तो वह लोग उन्हें बताते हैं कि सरु के इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जयराम को विश्वास नहीं होता कि अपनी बेटी ऐसी कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अब जीवसित देखते हैं, तो वह उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरु उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पिता अपनी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वह अब उनके लिए मर चुकी है। सरु अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वह अपने पिता से नहीं कह पाती। सरु को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए सब अफटेमेंट्स की वजह से तलाश करने की मदद करता है और साथ ही अपने पहनावे आदि बदलने भी वह उसके मदद करता है। उसी बीच इंद्र को इसे प्यार हो जाता है। जब अभिनय शुरू के शादी के लिए पूछा जाता है, तो इंद्र अपने दिल की बात दिल से छुपा लेते हैं। अभी नमून उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसे बहू नहीं चाहिए होता जिसके पिता की उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरु का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता का अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती, तो अपने हनीमून सूट आ जाता है और इस से कहती है कि वह उसे 70 दिन के लिए प्यार करे। पहले तो इंद्र इनकार करता है, जब बाद में मान जाता है। अगली सुबह वह सरु के साथ अभिनयु को देखता है। इंद्र को लगता है कि जब वह अभिनय के साथ वापस जा चुकी है और उसका दिल टूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि गुरु के अभिनय उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, तो वह उसके फोन से उसे ढूंढता हुआ बॉन्ड मट जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करना है, पर सरु बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि एक लाइलाज बीमारी है, इस कारण वह जल्द ही मरने वाली है। यह बात पता चले तो सरु के माता पिता घर जबरन घुस जाते हैं और उसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने का कहते हैं। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरु अस्पताल में छूटने के बाद पुस्तकालय चली जाती है और वहाँ उसे इंद्र के छोड़ने हुए कुछ पत्र मिलते हैं, जिसमें उसे एहसास होता है कि इंद्र उसे बहुत पहले से प्यार करता था। इंद्र किसी तरह पुस्तकालय आ जाता है और वह दोनों मिल जाते हैं। सरु उसे शादी करने को कहती है। एक रात सरु कहती है कि उसे मौत के बाद वह चाहता है कि उसे पेड़ के नीचे दफनाया जाए। वह यह भी कहती है कि उनके पिता का दिया हुआ साप सच साबित हो गया है और वह असर में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी सांप को स्वीकार नहीं करते। वह सरु कहती है कि भगवान माता पिता का प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी के दिन आ जाता है। सरु के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों की शादी में आ जाते हैं। शादी के बाद सरु बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वह मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस
दफन होना चाहती थी। सरू की मौत इंद्र के हाथों में ही हो जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है और सरू के कब्र के आगे खड़ा है। वह बोलता है कि उसे सफल देख कर वह जरूर खुश हो रही होगी। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और समस्त सच्चे प्यार का वादा करता है। सनम तेरी कसम भारतीय हिंदी फिल्म और जिसके निर्देशक राधिका राव और विनय कपूर ने किया है, जिसका निर्माता दीपक मुटिक ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में हर्षवर्धन राव और पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा हुसैन है। यह फिल्म 5 फरवरी 2016 को सिनेमाघर में प्रसिद्ध हुई थी। फिल्म की शुरुआत वकील इंद्रलाल परिवरन हर्षवर्धन से होती है, जो अदालत में एक मामले को जीत चुके हैं। सभी उसे बधाई देते हैं। इंद्र घर लौटते हैं और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने छोड़ देते हैं। वह एक कब्र के नाम का दीवाना लिखे होते हैं और उसके पति की कब्र है। उसके बाद वह अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगते हैं। सर्वरित उर्फ सरू मौरा हुसैन एक जवान लाइब्रेरी पुस्तकालय अक्षय में रहती है, जिसका रहने और तैरने होने का तरीका के कारण सभी उसको बहुत समझने रहते हैं। उसके खूबसूरत बहन कावेरी शादी करनी चाहने रखती है, लेकिन उसके पिता पहले सरू की शादी करवाने की सोच रहे थे। कावेरी का प्रेमी उसे एक महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसे एक महीने में मुझसे शादी नहीं की तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। इस कारण दोनों बहनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझने लगते हैं। उसी खूबसूरत बहन के जल्द ही सेवेस्टर ढूंढने के बाद दावा आ जाता है। सरू के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान होता है। वह उसे इमारत में रहते हैं जो एक सिक्रेटरी बुलाते हैं और वह कुछ दबंद है जिसमें सरू के पिता भी शामिल होते हैं। देखने के कहते हैं रहते हैं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना हरकत बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन सरू के पिता और सरू अपने पड़ोसी में रहने वाले इंद्र के पास जाते हैं। वह एक अमीर और प्रसिद्ध वकील के बेटे होते हैं। वह अपने प्रेमिका रूबू महलता दर्शवादों के साथ दिखाई देती है, जिसके जागरण के इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है और दौरान इंद्र की मुलाकात सरू से होता है। वह उसकी सादगी और खूबसूरती को देखे उसे उसकी और आकर्षित होते हैं। वह सरू के नाम में अभिनय शास्त्री छाया रहते हैं, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिनय को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है तो वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसे अजीब अजीब तरह से काम कराना रखता है। इंद्र कई बार पुस्तकालय आता है और सरू के पूर्व बंदी के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना चाहिए, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाते हैं, इस कारण वह इंद्र के मदद मांगना चाहती है। उसे स्पोर्ट में वह बहुत चालबाज जाता है। जब रिबू घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की बोतल उठाकर सरू की ओर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसे हाथ में बोतल लेकर फूट फोड़ देता है। उसके इंद्र के हाथ से खून निकलने लगता है। सरू के इंद्र घर जाने के को कहता है, पर सरू को
लगता है कि उसे उसके हाथ में चोट की वजह हुआ है। इस कारण चोट के मलहम पट्टी करती है, उसी से रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उसे दोनों पर नजर रखने हुए होता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं, तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जागरम को विश्वास नहीं होता कि उसकी बेटी ऐसे कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अस्तर्तिक सत्य के देखते हैं, तो वह उन लोगों को बात पर यकीन हो जाता है। सारू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे एक भी ना सुनते। अगर बोल देते हैं कि अब वह उसके लिए मर चुकी है। सारू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसके माँ का विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वह अपने पति से कह पाती है। सारू को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र के उनके लिए अस्पोर्टमेंट के जगह तलाश करने के मदद करता है और साथ ही उसे पहनावे आदि बदलने भी वह उसे मदद करता है। इसी बीच इंद्र को उससे प्यार भी हो जाता है। जब वह अभिनय सरू के शादी के लिए पूछता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ से बोतल लेकर फोड़ जाता है। इसे इंद्र की हाथों में खून निकलने लगता है। गुरु के इंद्र घर आ जाने के कहता है, पर सारू को लगता है कि उसके हाथ में चोट की वजह से वह है। इस कारण चोट में मलहम पट्टी की करती है। इसके रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उन दोनों पर नजर रखते हुए है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं, तो वह लोग उन्हें बताते हैं कि सरू के इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जयराम को विश्वास नहीं होता कि अपनी बेटी ऐसी कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अपजीवशिष देखते हैं, तो वह उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सारू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पिता अपनी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वह अब उनके लिए मर चुकी है। सारू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वह अपने पिता से नहीं कह पाती। सारू को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए सब अफटेमेंट की वजह से तलाश करने की मदद करता है और साथ ही अपने पहनावे आदि बदलने भी वह उसके मदद करता है। उसी बीच इंद्र को इसे प्यार हो जाता है। जब अभिनय सरू के शादी के लिए पूछा जाता है, तो इंद्र अपने दिल की बात दिल से छुपा लेते हैं। अभिनमून उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता को ऐसे बहू नहीं चाहिए होता जिसके पिता की उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता का अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती, तो अपने हनीमून सूट आ जाता है और इस से कहती है कि वह उसे 70 दिन के लिए प्यार करे। पहले तो इंद्र इनकार करता है, जब बाद में मान जाता है। अगली सुबह वह सरू के साथ अभिनयु को देखता है। इंद्र को लगता है कि जब वह अभिनय के साथ वापस जा चुकी है
और उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि गुरु के अभिनय उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। तो वह उसके फोन से उसे ढूंढता हुआ बॉन्ड मट जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करना है, पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है, वहाँ पता चलता है कि एक लाइलाज बीमारी है, इस कारण वह जल्द ही मरने वाली है। यह बात पता चले तो सरू के माता पिता घर जबरन घुस जाते हैं और उसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने का कहते हैं। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल में छूटने के बाद पुस्तकालय चली जाती है और वहाँ उसे इंद्र के छोड़ने हुए कुछ पत्र मिलते हैं, जिसमें उसे एहसास होता है कि इंद्र उसे बहुत पहले से प्यार करता था। इंद्र किसी तरह पुस्तकालय आ जाता है और वह दोनों मिल जाते हैं। सरू उसे शादी करने को कहती है। एक रात सरू कहती है कि उसे मौत के बाद वह चाहता है कि उसे पेड़ के नीचे दफनाया जाए। वह यह भी कहती है कि उनके पिता का दिया हुआ साप सच साबित हो गया है और वह असर में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी सांप को स्वीकार नहीं करते। वह सरू कहती है कि भगवान माता पिता का प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी के दिन आ जाता है। सरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों की शादी में आ जाते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वह मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली भूमि को खरीदने के लिए आग्रह करते हैं जिसके नीचे सरू दफन होना चाहती थी। सरू की मौत इंद्र के हाथों में ही हो जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है और सरू के कब्र के आगे खड़ा है। वह बोलता है कि उसे सफल देख कर वह जरूर खुश हो रही होगी। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और समस्त सच्चे प्यार का वादा करता है। सनम तेरी कसम भारतीय हिंदी फिल्म और जिसके निर्देशक राधिका राव और विनय सपूर ने किया है, जिसका निर्माता दीपक मुट्ठ ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में हर्षवर्धन राव और पाकिस्तानी अभिनेत्री मौरा हुसैन है। यह फिल्म 5 फरवरी 2016 को सिनेमाघर में प्रसिद्ध हुई थी। फिल्म की शुरुआत वकील इंद्रलाल परिवरन हर्षवर्धन से होती है, जो अदालत में एक मामले को जीत चुके हैं। सभी उसे बधाई देते हैं। इंद्र घर लौटते हैं और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने छोड़ देते हैं। वह एक कब्र के नाम का दीवाना लिखे होते हैं और उसके पति की कब्र है। उसके बाद वह अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगते हैं। सर्वरित उर्फ सरू मौरा हुसैन एक जवान लाइब्रेरी पुस्तकालय अक्षय में रहती है, जिसका रहने और तैरने होने का तरीका के कारण सभी उसको बहुत समझने रहते हैं। उसके खूबसूरत बान कावेरी शादी करनी चाहने रखती है, लेकिन उसके पिता पहले सरू की शादी करवाने की सोच रहे थे। कावेरी का प्रेमी उसे एक महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसे एक महीने में मुझसे शादी नहीं की तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। इस कारण दोनों बहनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझने लगते हैं। उसे खूबसूरत बहन के जल्द ही स्वस्थ ढूंढने के बाद दावा आ जाता है। सरू के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान होता है। वह उसे इमारत में रहते हैं जो एक सिक्रेटरी बुलाते हैं और वह कुछ
के पिता भी शामिल होते हैं। देखने के कहते हैं रहते हैं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना हरकत बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन सरू के पिता अमर सरू अपने पड़ोसी में रहने वाले इंद्र के पास जाते हैं। वह एक अमीर और प्रसिद्ध वकील के बेटे होते हैं। वह अपने प्रेमिका रूबू महलताई दशवादों के साथ दिखाई देती है, जिसके जागरम के इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। अमर दौरान इंद्र की मुलाकात सरू से होता है। वह उसकी सादगी और खूबसूरती को देखे उसे उसकी और आकर्षित होते हैं। वह सरू के नाम में अभिनय शास्त्र की छाया रहते हैं, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिनय को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है, तो वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसे अजीब अजीब तरह से काम कराना रखता है। इंद्र कई बार पुस्तकालय आता है और सरू के पूर्ण बंदी के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना चाहिए, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाते हैं, इस कारण वह इंद्र के मदद मांगना चाहती है। उसे स्पोर्ट में वह बहुत चालबाज जाता है। जब रिबू घर आती है, तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की बोतल उठाकर सरू की ओर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसे हाथ में बोतल लेकर फोड़ देता है। उसके इंद्र के हाथ से खून निकलने लगता है। सरू के इंद्र घर जाने के को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसे उसके हाथ में चोट की वजह हुआ है। इस कारण चोट के महत्व पट्टी मलहम पट्टी करती है। उसी से रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उसे दोनों पर नजर रखने हुए होता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं, तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जागरम को विश्वास नहीं होता कि उसकी बेटी ऐसे कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अत्यधिक सचेत के देखते हैं, तो वह उन लोगों को बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे एक भी ना सुनते और बोल देते हैं कि अब वह उसके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसके माँ का विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वह अपने पति से कह पाती है। सरू को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी, तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र के उनके लिए अपार्टमेंट के जगह तलाश करने के मदद करता है और साथ ही उसे पहनावे आदि बदलने भी वह उसे मदद करता है। इसी बीच इंद्र को उससे प्यार भी हो जाता है। जब वह अभिनय सरू के शादी के लिए पूछता है, तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती जिसके पिता ही उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वह अपने हनीमून साइट तक आती है और इंद्र से कहती है कि वह उसे अतर्ता देने के लिए प्यार करते हैं। पहले तो इंद्र इनकार कर देते हैं, पर बाद में मान जाते हैं। अगली सुबह वह सरू के साथ अभिमन्यु को देखते हैं। इंद्र को लगता है कि अब वह अभिमन्यु
अभिमन्यु के साथ वापस जा चुकी है और उसके दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि शरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। तो वह उसके फोन से उसे ढूंढता हुआ वैद्य मठ जाता है और वह उसे अपने प्यार का इजहार करता है। तब शरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसी अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसे एक लाइलाज बीमारी है, उसे कारण वह जल्द ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही वह शरू के माता पिता घर जबरन घुस जाते हैं और उसे अपनी बेटी को मरा हुआ मारने के को कहते हैं। अगले दिन पुलिस उसे जयराम कहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं। शरू अस्पताल से छूटने के बाद पुस्तकालय चली जाती है। वहाँ उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ पत्र मिलते हैं जिसमें इस एहसास होता है कि इंद्र उसे बहुत पहले से प्यार करता था। इंद्र किसी तरह पुस्तकालय आ जाता है और वह दोनों मिल जाते हैं। शरू उससे शादी कर लेती है। एक रात शरू कहती है कि उसे मौत के बाद वह चाहिए जो उसे पेड़ के नीचे दफनाया जाए। वह यह भी कहती है कि उसे पिता का दिया हुआ श्राप सच साबित हो गया और वह अक्सर असल में मरने वाली है। इंद्रा उससे कहता है कि भगवान कभी श्राप को स्वीकार नहीं करता। तो शरू कहती है कि भगवान माता पिता के प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी के दिन आ जाता है। शरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों को शादी में आ जाते हैं। शादी के बाद शरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वह मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली भूमि को खरीदने की आग्रह करता है जिसके नीचे शरू दफना होना चाहती थी। शरू की मौत अगर उसने एक महीने में उससे शादी नहीं की तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह शरू के ऊपर अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा जीवन साथी ढूंढने का दबाव आ जाता है। शरू के परिवार का वह काफ़ी इज्जत और सम्मान होता है। वह जिस इमारत में रहते हैं वह एक सोसाइटी बुलाते हैं और वह कुछ गूंगे जिसमें शरू से पिता शामिल है देखरेख करते रहते हैं और किसी भी प्रकार की घटी हरकत बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन शरू के पिता और शरू अपने पड़ोसी में रहने वाले इंद्र के पास जाते हैं जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वह अपने प्रेमिका रघु में मोलता इंद्रदास के साथ दिखते हैं जिसके जयराम के अंदर की ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की गुलामकत शुरू हो जाती है और उसकी सागदी और खूबसूरती को देखकर उसके और आसक्तिक हो जाते हैं। वह गुरु व तरुण के मन में अभिनय शास्त्र की छाया रहते हैं जो अमीर की और खूबसूरत है। वह अभिनय की पता चलता है कि शरू उसके ऊपर लट है तो उसे वह इतना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उसके अजीब अजीब तरह से काम कराते रहते हैं। इंद्र कई बार पुस्तकालय आते हैं और शरू के पूछ बंद के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछते हैं। कई बार इंद्र इनकार के बाद शरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा तभी उसे पति मिल सकता है जिसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाते हैं। इस कारण वह इंद्र के मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वह सुबह 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की
बोतल को शरू के ओर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ से बोतल लेकर फोड़ जाता है। इसे इंद्र की हाथों में खून निकलने लगता है। गुरु के इंद्र घर आ जाने के कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ में चोट की वजह से वह है। इस कारण चोट में मलहम पट्टी की करती है। इसके रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उन दोनों पर नजर रखते हुए है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं, तो वह लोग उन्हें बताते हैं कि सरू के इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जयराम को विश्वास नहीं होता कि अपनी बेटी ऐसी कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अब जीवसित देखते हैं, तो वह उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सारू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पिता अपनी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वह अब उनके लिए मर चुकी है। सारू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वह अपने पिता से नहीं कह पाती। सारू को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए सब अफटेमेंट की वजह से तलाश करने की मदद करता है और साथ ही अपने पहनावे आदि बदलने भी वह उसके मदद करता है। उसी बीच इंद्र को इसे प्यार हो जाता है। जब अभिनय शुरू के शादी के लिए पूछा जाता है, तो इंद्र अपने दिल की बात दिल से छुपा लेते हैं। अभी नमून उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसे बहू नहीं चाहिए होता जिसके पिता की उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता का अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती, तो अपने हनीमून सूट आ जाता है और इस से कहती है कि वह उसे असर दिन के लिए प्यार करे। पहले तो इंद्र इनकार करता है, जब बाद में मान जाता है, अगली सुबह वह शरू के साथ अभिनय को देखता है। इंद्र को लगता है कि जब वह अभिनय के साथ वापस जा चुकी है और उसका दिल टूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि गुरु के अभिनय उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, तो वह उसके फोन से उसे ढूंढता हुआ बॉन्ड मट जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करना है, पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि एक लाइलाज बीमारी है, इस कारण वह जल्द ही मरने वाली है। यह बात पता चले तो सरू के माता पिता घर जबरन घुस जाते हैं और उसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने का कहते हैं। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल में छूटने के बाद पुस्तकालय चली जाती है और वहाँ उसे इंद्र के छोड़ने हुए कुछ पत्र मिलते हैं, जिसमें उसे एहसास होता है कि इंद्र उसे बहुत पहले से प्यार करता था। इंद्र किसी तरह पुस्तकालय आ जाता है और वह दोनों मिल जाते हैं। सरू उसे शादी करने को कहती है। एक रात सरू कहती है कि उसे मौत के बाद वह चाहता है कि उसे पेड़ के नीचे दफनाया जाए। वह यह भी कहती है कि उनके पिता का दिया हुआ साप सच साबित हो गया है और वह असर में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी सांप को स्वीकार नहीं करते। वह सरू कहती है कि भगवान माता पिता का प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी के दिन आ जाता है। सरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों की शादी में आ जाते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है
जिसके नीचे तरू दफन होना चाहती थी। सरू की मौत इंद्र के हाथों में ही हो जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है और सरू के कब्र के आगे खड़ा है। वह बोलता है कि उसे सफल देख कर वह जरूर खुश हो रही होगी। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और समस्त सच्चे प्यार का वादा करता है। सनम तेरी कसम भारतीय हिंदी फिल्म और जिसके निर्देशक राधिका राव और विनय कपूर ने किया है, जिसका निर्माता दीपक मुटिक ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में हर्षवर्धन राव और पाकिस्तानी अभिनेत्री मौरा हुसैन है। यह फिल्म 5 फरवरी 2016 को सिनेमाघर में प्रसिद्ध हुई थी। फिल्म की शुरुआत वकील इंद्रलाल परिवरन हर्षवर्धन से होती है, जो अदालत में एक मामले को जीत चुके हैं। सभी उसे बधाई देते हैं। इंद्र घर लौटते हैं और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने छोड़ देते हैं। वह एक कब्र के नाम का दीवाना लिखे होते हैं और उसके पति की कब्र है। उसके बाद वह अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगते हैं। सरवरी तो उर्फ सरू मौरा हुसैन एक जवान लाइब्रेरी पुस्तकालय अक्षय में रहती है, जिसका रहने और तैरने होने का तरीका के कारण सभी उसको बहुत समझने रहते हैं। उसके खूबसूरत बहन कावेरी शादी करनी चाहने रखती है, लेकिन उसके पिता पहले शरू की शादी करवाने की सोच रहे थे। कावेरी का प्रेमी उसे एक महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसे एक महीने में मुझसे शादी नहीं की तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। इस कारण दोनों बहनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझने लगते हैं। उसी खूबसूरत बहन के जल्द ही सविस्तर ढूंढने के बाद दावा आ जाता है। सरू के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान होता है। वह उसे इमारत में रहते हैं जो एक सिक्योरिटी बुलाते हैं और वह कुछ दबंग है जिसमें सरू के पिता भी शामिल होते हैं। देखने के कहते हैं रहते हैं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना हरकत बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन सरू के पिता और सरू अपने पड़ोसी में रहने वाले इंद्र के पास जाते हैं। वह एक अमीर और प्रसिद्ध वकील के बेटे होते हैं। वह अपने प्रेमिका रूबू महलताई दर्शवादों के साथ दिखाई देती है, जिसके जागरण के इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है और दौरान इंद्र की मुलाकात सरू से होता है। वह उसकी सादगी और खूबसूरती को देखे उसे उसकी और आकर्षित होते हैं। वह सरू के नाम में अभिनय शास्त्र की छाया रहते हैं, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिनय को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है तो वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसे अजीब अजीब तरह से काम कराना रखता है। इंद्र कई बार पुस्तकालय आता है और सरू के पूर्ण बंदी के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना चाहिए, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाते हैं, इस कारण वह इंद्र के मदद मांगना चाहती है। उसे स्पोर्ट में वह बहुत चालबाज जाता है। जब रिबू घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की बोतल उठाकर सरू की ओर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसे हाथ में बोतल लेकर फूट फोड़ देता है। उसके इंद्र के हाथ से खून निकलने लगता है। सरू के इंद्र घर जाने के को कहता है
है, पर शरू को लगता है कि उसे उसके हाथ में चोट की वजह हुआ है। इस कारण चोट के महत्मत पट्टी मलहम पट्टी करती है। उसी से रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उसे दोनों पर नजर रखने हुए होता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं, तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जागरम को विश्वास नहीं होता कि उसकी बेटी ऐसे कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अस्तित्व सत्य के देखते हैं, तो वह उन लोगों को बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे एक भी ना सुनते और बोल देते हैं कि अब वह उसके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसके माँ का विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वह अपने पति से कह पाती है। सरू को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र के उनके लिए अस्पोर्टमेंट के जगह तलाश करने के मदद करता है और साथ ही उसे पहनावे आदि बदलने भी वह उसे मदद करता है। इसी बीच इंद्र को उससे प्यार भी हो जाता है। जब वह अभिनय शुरू के शादी के लिए पूछता है, तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती जिसके पिता ही उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वह अपने हनीमून साइट तक आती है और इंद्र से कहती है कि वह उसे अत्याचार देने के लिए प्यार करते हैं। पहले तो इंद्र इनकार कर देते हैं, पर बाद में मान जाते हैं। अगली सुबह वह शरू के साथ अभिमन्यु को देखते हैं। इंद्र को लगता है कि अब वह अभिमन्यु गूंगे जिसमें सरू से पिता शामिल है देख रेख करते रहते हैं और किसी भी प्रकार की घटी हरकत बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन सरू के पिता और सरू अपने पड़ोसी में रहने वाले इंद्र के पास जाते हैं, जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वह अपने प्रेमिका रघु में मोहल्ता इंद्रदास के साथ दिखते हैं, जिसके जयराम के अंदर की ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की गुलामकत शुरू हो जाती है और उसकी सागदी और खूबसूरती को देखकर उसके और आसक्तिक हो जाते हैं। वह गुरु वतरुक्ष के मन में अभिनय शास्त्र की छाया रहते हैं, जो अमीर की और खूबसूरत है। वह अभिनय की पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट है, तो उसे वह इतना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उसके अजीब अजीब तरह से काम कराते रहते हैं। इंद्र कई बार पुस्तकालय आते हैं और सरू के पूछ बंद के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछते हैं। कई बार इंद्र इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है, जिसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाते हैं। इस कारण वह इंद्र के मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वह सुबह 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है, तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की बोतल को शरू के ओर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ से बोतल लेकर फोड़ जाता है।
इसे इंद्र की हाथों में खून निकलने लगता है। गुरु के इंद्र घर आ जाने कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ में चोट की वजह से वह है। इस कारण चोट में मलहम पट्टी की करती है। इसके रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उन दोनों पर नजर रखते हुए है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं, तो वह लोग उन्हें बताते हैं कि सरू के इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जयराम को विश्वास नहीं होता कि अपनी बेटी ऐसी कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अपजीवित देखते हैं, तो वह उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सारू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पिता अपनी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वह अब उनके लिए मर चुकी है। सारू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वह अपने पिता से नहीं कह पाती। सारू को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए सब अफटेमेंट की वजह से तलाश करने की मदद करता है और साथ ही अपने पहनावे आदि बदलने भी वह उसके मदद करता है। उसी बीच इंद्र को इसे प्यार हो जाता है। जब अभिनय शुरू के शादी के लिए पूछा जाता है, तो इंद्र अपने दिल की बात दिल से छुपा लेते हैं। अभी नमून उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसे बहू नहीं चाहिए होता जिसके पिता की उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता का अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती, तो अपने हनीमून सूट आ जाता है और इससे कहती है कि वह उसे 70 दिन के लिए प्यार करे। पहले तो इंद्र इनकार करता है, जब बाद में मान जाता है। अगली सुबह वह शरू के साथ अभिनय को देखता है। इंद्र को लगता है कि जब वह अभिनय के साथ वापस जा चुकी है और उसका दिल टूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि गुरु के अभिनय उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, तो वह उसके फोन से उसे ढूंढता हुआ बॉन्ड मट जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करना है, पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि एक लाइलाज बीमारी है, इस कारण वह जल्द ही मरने वाली है। यह बात पता चले तो सरू के माता पिता घर जबरन घुस जाते हैं और उसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने का कहते हैं। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल में छूटने के बाद पुस्तकालय चली जाती है और वहाँ उसे इंद्र के छोड़ने हुए कुछ पत्र मिलते हैं, जिसमें उसे एहसास होता है कि इंद्र उसे बहुत पहले से प्यार करता था। इंद्र किसी तरह पुस्तकालय आ जाता है और वह दोनों मिल जाते हैं। सरू उसे शादी करने को कहती है। एक रात सरू कहती है कि उसे मौत के बाद वह चाहता है कि उसे पेड़ के नीचे दफनाया जाए। वह यह भी कहती है कि उनके पिता का दिया हुआ साप सच साबित हो गया है और वह असर में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी सांप को स्वीकार नहीं करते। वह सरू कहती है कि भगवान माता पिता का प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी के दिन आ जाता है। सरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों की शादी में आ जाते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वह मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली भूमि को खरीदने के लिए
चाहती थी। सरू की मौत इंद्र के हाथों में ही हो जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है और सरू के कब्र के आगे खड़ा है। वह बोलता है कि उसे सफल देख कर वह जरूर खुश हो रही होगी। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और समस्त सच्चे प्यार का वादा करता है। सनम तेरी कसम भारतीय हिंदी फिल्म और जिसके निर्देशक राधिका राव और विनय कपूर ने किया है, जिसका निर्माता दीपक मुट्ठ ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में हर्षवर्धन राव और पाकिस्तानी अभिनेत्री मौरा हुसैन है। यह फिल्म 5 फरवरी 2016 को सिनेमाघर में प्रसिद्ध हुई थी। फिल्म की शुरुआत वकील इंद्रलाल परिवरन हर्षवर्धन से होती है, जो अदालत में एक मामले को जीत चुके हैं। सभी उसे बधाई देते हैं। इंद्र घर लौटते हैं और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने छोड़ देते हैं। वह एक कब्र के नाम का दीवाना लिखे होते हैं और उसके पति की कब्र है। उसके बाद वह अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगते हैं। सरवरी तो उर्फ सरू मौरा हुसैन एक जवान लाइब्रेरी पुस्तकालय अक्षय में रहती है, जिसका रहने और तैरने होने का तरीका के कारण सभी उसको बहुत समझने रहते हैं। उसके खूबसूरत बहन कावेरी शादी करनी चाहने रखती है, लेकिन उसके पिता पहले सरू की शादी करवाने की सोच रहे थे। कावेरी का प्रेमी उसे एक महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसे एक महीने में मुझसे शादी नहीं की तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। इस कारण दोनों बहनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझने लगते हैं। उसी खूबसूरत बहन के जल्द ही सविस्तर ढूंढने के बाद दावा आ जाता है। सरू के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान होता है। वह उसे इमारत में रहते हैं जो एक सिक्योरिटी बुलाते हैं और वह कुछ दबंग है जिसमें सरू के पिता भी शामिल होते हैं। देखने के कहते हैं रहते हैं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना हरकत बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन सरू के पिता और सरू अपने पड़ोसी में रहने वाले इंद्र के पास जाते हैं। वह एक अमीर और प्रसिद्ध वकील के बेटे होते हैं। वह अपने प्रेमिका रूबू महलताई दर्शवादों के साथ दिखाई देती है, जिसके जागरण के इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है और दौरान इंद्र की मुलाकात सरू से होता है। वह उसकी सादगी और खूबसूरती को देखे उसे उसकी और आकर्षित होते हैं। वह सरू के नाम में अभिनय शास्त्र की छाया रहते हैं, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिनय को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है तो वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसे अजीब अजीब तरह से काम कराना रखता है। इंद्र कई बार पुस्तकालय आता है और सरू के पूर्ण बंदी के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना चाहिए, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जाते हैं, इस कारण वह इंद्र से मदद मांगना चाहती है। उसे स्पोर्ट में वह बहुत चालबाज जाता है। जब रिबू घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वह एक कांच की बोतल उठाकर सरू की ओर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसे हाथ में बोतल लेकर फूट फोड़ देता है। उसके इंद्र के हाथ से खून निकलने लगता है। सरू के इंद्र घर जाने के को कहता है
है, पर शरू को लगता है कि उसे उसके हाथ में चोट की वजह हुआ है। इस कारण चोट के महत्मत पट्टी मलहम पट्टी करती है। उसी से रात गुजार जाता है। वह एक चौकीदार उसे दोनों पर नजर रखने हुए होता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा को छोड़ पहले ही घर आ जाते हैं, तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी थी। पहले वह जागरम को विश्वास नहीं होता कि उसकी बेटी ऐसे कुछ कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी बेटी को इंद्र के साथ अस्तित्व सत्य के देखते हैं, तो वह उन लोगों को बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे एक भी ना सुनते और बोल देते हैं कि अब वह उसके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसके माँ का विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वह अपने पति से कह पाती है। सरू को लगता है कि वह अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंद्र के उनके लिए अस्पोर्टमेंट के जगह तलाश करने के मदद करता है और साथ ही उसे पहनावे आदि बदलने भी वह उसे मदद करता है। इसी बीच इंद्र को उससे प्यार भी हो जाता है। जब वह अभिनय शुरू के शादी के लिए पूछता है, तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती जिसके पिता ही उसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वह अपने हनीमून साइट तक आती है और इंद्र से कहती है कि वह उसे अतर्ता देने के लिए प्यार करते हैं। पहले तो इंद्र इनकार कर देते हैं, पर बाद में मान जाते हैं। अगली सुबह वह शरू के साथ अभिमन्यु को देखते हैं। इंद्र को लगता है कि अब वह अभिमन्यु के साथ वापस जा चुकी है और उसके दिल टूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि शरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, तो वह उसके फोन से उसे ढूंढता हुआ वैद्यमठ जाता है और वह उसे अपने प्यार का इजहार करता है। तब शरू बेहोश हो जाती है।